खबर इटावा से है, जहां थाना इगदल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हवेलिया निवासी पीड़िता सुनीता देवी के पति अखिलेश ने बताया कि हम लोगों की जमीन गांव में है, जिसमें पक्षीगढ़ सह खातेदार हैं, जो कि मेरे हिस्से वाली जमीन पर भी अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। संबंध में हमने संबंधित अधिकारियों को कई प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उप जिलाधिकारी के आदेश पर लेखपाल ने मौके पर नमपत्ति करवा दी गई थी और निशान भी बना दिए गए थे और पीड़ित को कब्जा भी दिला दिया गया था, लेकिन उनके चले जाने के बाद विपक्षीगढ़ पीड़ित को जमीन पर कब्जा नहीं दे रहे हैं तथा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हैं। अखिलेश, ये क्या मामला है? अरे, ये जमीन का है, थोड़ी खेती खरीदी थी, उसी का मामला है। खरीदी थी, उसमें मतलब क्या मामला? उसमें वो कब्जा नहीं करने दे रहे, लेखपाल साहब दो बार नाव पे आए और जबरदस्ती गुंडागर्दी से कब्जा नहीं करने देते। कौन लोग हैं? वो हमारे परिवार के ही हैं। ये कब खरीदी थी खेती आपने? ये हो गई 5-6 साल हो गई। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लेखपाल साहब जाते हैं तब तो कुछ नहीं बोलते, उसके बाद जबरदस्ती कब्जा कर लेते, मारपीट करते। क्या कहते हैं वो लोग? कि ये जबरदस्ती कब्जा कर लेते, कहते हैं यहाँ से जमीन नहीं देंगे तुम्हें, लेने क्यों ली तुमने, जबरदस्ती करते हैं। इसके लिए आपने कहीं शिकायत की और इसके अलावा? हाँ जी, मैंने कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई भी नहीं हो रही अभी तक। तो आप इसके संबंध में मतलब क्या आप उम्मीद करेंगे अधिकारियों से? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जो है जमीन वो मुझे दिला दी जाए। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर इटावा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी ली गई। सलामी ग्रहण करने के उपरांत पुलिस बल को दौड़ कराई गई एवं टोली बार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए आरक्षियों को परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी देते हुए शस्त्र को खोलने व जोड़ने का अभ्यास कराया गया। तत्पश्चात डॉग स्क्वाड, UPX-12, PRV वाहनों तथा परेड में सम्मिलित समस्त आवश्यक उपकरणों को अपने पास रखने व उनके सुव्यवस्थित रखरखाव हेतु निर्देशित किया गया। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।